हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को लिया हुआ था, जहां पर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सभी क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की। आई होप आपने उन सभी लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखा होगा, और नहीं देखा हुआ है तो उनको आप जरूर देखें, जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस इस चैप्टर के लिए बिल्डअप हो पाए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, उसी का रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम उस तरह से काम नहीं कर रहे होंगे जैसे कि अभी तक आप काम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, यहाँ पर आपको जैसा दिखाया गया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन होंगे, तो वो कौन से एप्लीकेशन होंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन मोस्टली हाइट और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के होंगे, मीन्स यहाँ पर बात की जा रही होगी हाइट और डिस्टेंस की। अब यदि हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो इसी का हम दूसरा नाम इसी चैप्टर का ये भी दे सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, मींस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाए या हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाए, दोनों बातें एक ही होंगी। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि यदि हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जा रही है तो कौन सी हाइट और कौन सी डिस्टेंस। तो आप देखें कि अगर मैं हाइट की बात करूं, तो आप अपने डेली लाइफ में डेली बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक दैट मीन्स आपके पास में एक पोल है, सपोज ये पोल समझ सकते हैं, या कोई टावर समझ सकते हैं, या कोई पेड़ समझ सकते हैं, या मतलब मंदिर समझ सकते हैं, मीन्स टेम्पल जिसकी वर्टिकल हाइट है, ये मीन्स ऐसे कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये कोई टावर है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कोई टावर है जो एक जगह पे ग्राउंड पॉइंट पे एक जगह पे खड़ा हुआ है। ओके, अब यदि इसकी हाइट की बात की जाए, तो इसके बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट तक की जो आपको हाइट दिख रही है, इसी को हम हाइट बोलते हैं। ओके, तो फिर बात आती है डिस्टेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फिक्स पॉइंट होगा आपके पास, मानते हैं आपके पास फिक्स पॉइंट ये है, या मैं कोई दूसरी जगह कर दूं, या किसी दूसरी जगह कर दूं, ये कुछ फिक्स पॉइंट होंगे जहां से आपको डिस्टेंस मेजर करनी होगी। मीन्स यदि इस फिक्स पॉइंट से मैं इस स्टार के ग्राउंड पॉइंट को ऐसे मेजर करूं, तो इसका मतलब हुआ कि जो टावर है, टावर इस फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ओके, फिर डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो टावर है, टावर का ये टॉप पॉइंट है, और ये एक फिक्स पॉइंट है जहां से आप टावर की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पा रहे थे। मीन्स आप दूर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये टावर है, तो आपके दिमाग में आता है, या कोई दूसरा बंदा होता है जो आपसे कह रहा होता है कि बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप मेजर करोगे। तो आप मेजर कहां से करोगे? तो मेजर करने का आपसे क्वेश्चन होगा कि आप इसके टॉप से मेजर करवा रहे हैं, मीन्स ये स्पेस वाली लाइन को मेजर करने के लिए बोल रहे हैं, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स जो स्पेस में हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, या ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल लाइन जो चल रही है, इस पे बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपके पास डिस्टेंस की जो बात आती है, तो वो यही होती है कि जो टावर है, या जो आपके पास में पोल है, या मैं बात करूं किसी ट्री की, तो उन सब का जो ग्राउंड लेवल होता है, उस ग्राउंड लेवल को इस फिक्स पॉइंट से मेजर करने में जो डिस्टेंस आती है, उसको डिस्टेंस बोला जाएगा, और ये इसकी हाइट हो गई। देन ये वाली लाइन को अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं, तो ये भी एक हाइट ही होगी, ये भी आपकी एक हाइट ही है, लेकिन ये कौन सी हाइट है? ये हाइट है टावर के, या पोल के, जो भी आप समझ पा रहे हैं, उसके टॉप से
जो आपका फिक्स पॉइंट मींस जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग पॉइंट जो है ये वहां से मींस यहां से यहां तक की दूरी है। ओके, देन ऐसे सिचुएशन पे आप देखें तो यहां पे एक एंगल जरूर बन रहा होगा। ओके, अभी हम एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाए सारी चीजें समझ जाएंगे। तो आपने देखा ये हाइट है और ये डिस्टेंस है। ओके, और ये वाली तो फिर क्या है, ये भी एक तरह की डिस्टेंस ही है। कौन सी डिस्टेंस है इसको देखते हैं। देखो पहले इस वाली लाइन की बात की जाए कि इस लाइन को क्या नाम दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्राउंड लेवल है मींस पॉइंट आपका पोल का जो ग्राउंड पॉइंट है वहां से इस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस वाली बात आ रही है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जो लाइन आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपको वर्टिकली नजर आ रही है इसी को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, एंड डियर स्टूडेंट्स तो फिर ये वाली कौन सी लाइन है, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट नाम से जाना जाएगा। ये वाली साइड ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पर एक एंगल बन रहा होगा जिसको हमने थीटा का नाम दिया। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा ग्राउंड से परपेंडिकुलर स्टैंड होती है, मींस इस तरह से ही ऐसे इस तरह से स्टैंड होगी। तो ये ग्राउंड से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। और आपको पता है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, मींस हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, मींस आपकी जो आई है ना वो इधर पे होती है ऐसे। इस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टॉप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहां से इस आईज को आप सीधा करके इसके बॉटम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में एंगल बन गया। ठीक, अब देखो कंडीशन क्या आ रही है कि ये वाली जो लाइन है ना, हमेशा आपको याद रखना है कि जो ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है मींस जहां एंगल थीटा बन रहा होता है और 90 डिग्री एंगल होता है, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो लाइन होती है ये, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और ये वाली जो लाइन होती है मींस फ्रंट साइड ऑफ द एंगल, जो आपका एक्यूट एंगल बन रहा है यहां पर थीटा, इसके फ्रंट की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के फ्रंट की साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा ऐसे सिचुएशन में। और अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी तो आप देखते हैं मैंने सारी बातें एक में ही बताने की कोशिश कर दी है, हमने अलग ट्रायंगल नहीं बताया, बट आपको इसी में समझना है। इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे और इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। किस पोजीशन में, जब आपका एंगल यहां पर बन रहा होगा। ओके, और आपका जो देखने का वे है मींस जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप अपने आप से अपवर्ड डायरेक्शन मींस ऊपर की तरफ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तब की ये सिचुएशन आ रही है। ओके, लेकिन क्या ये बिल्कुल जरूरी है कि आप हमेशा किसी भी चीज को अपवर्ड ही ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप ये कुछ सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी बिल्डिंग के सिक्स या फिफ्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं और वहां से ग्राउंड की तरफ आप ऑब्जर्व करते हैं जहां पर आपको एक छोटा सा पूल नजर आता है। ओके, तो आप सोचिए इमेजिन कीजिए कि उस समय किस तरह का डायग्राम बन रहा होगा। तो जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें पता चलता है, सपोज कि मान लो यहां पर ये आपका, मतलब ये इस तरह से मैं मान के चल रहा हूं कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से ऐसे ही फ्लोर है। ओके, और मैं यहां पे हूं इस जगह पे और यहां पे बैठा हुआ हूं, तो हमें यहां पे कहीं एक पोल नजर आ रहा है, इस जगह पे एक पोल नजर आ रहा है। मैं इसके टॉप को देखना चाहता हूं, तो जब मैं इसके टॉप को देखना चाहता हूं तो इस तरफ इधर क्या होगा, ऐसे आपको अपनी आंख को नीचे की ओर लाना पड़ेगा। और जब आप नीचे की ओर लाएंगे तो यहां पर जो लाइन ऑफ साइट होगी, तो वो कौन सी होगी, देखो
लाइन ऑफ साइट कौन सी हो रही है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे वही आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। ओके, तो ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है कि जब मैं ऊपर बैठा हूं मीन्स अपने से डाउनवर्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, डाउनवर्ड चीजों को मीन्स स्कूल को देख रहा था, तो आप ध्यान दीजिए कि उस समय पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो स्पेस में ही होगी, और स्पेस में वो किस तरह से होगी, वो स्पेस में कुछ इस तरह से होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब ये स्पेस में इस तरह से होगी तो जो एंगल बन रहा होगा वो इधर से बन रहा होगा, इस तरह से थीटा बन रहा होगा। लेकिन इसको अपने क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है कि इसका अल्टरनेट एंगल आपको यहां से लेना है, जो आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीखे हुए हैं उनकी हेल्प से। मीन्स अब यहां से यदि मैं इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल थीटा यहां है वही एंगल थीटा यहां पे है। ओके, और यहां से जब आप इसको इस तरह से टॉप मतलब इस तरह से मिला रहे होंगे तो ये एक तरह से बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, बिल्डिंग सपोज करो यहां तक है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये आपका एंगल बन गया। लेकिन इनिशियल सिचुएशन जो थी वो ये थी कि आप कहां पे बैठे हुए थे, आप तो टॉप पे बैठे हुए थे। ओके, तो यहां पर एंगल का नेम चेंज होगा, एंगल तो चेंज होगा, एंगल का नेम चेंज होगा। अब आप देखिए एंगल का नेम चेंज कैसे होगा कि जब आप कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे होंगे मीन्स आप इस तरह से देखिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ समझाने की। मीन्स अभी इस समय आप देखिए कि आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से देख लीजिए कि आप ऐसे पहले तो ऐसे इस तरह से देख रहे हैं, और इसके बाद में आप क्या करते हैं, यहां से यदि आप ऊपर की ओर चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये आपका मार्कर उठ रहा है, मीन्स आपके जो देखने की डायरेक्शन है वो धीरे 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 अपवर्ड जा रही है, मीन्स ये एंगल उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है। तो लाइन ऑफ साइट ये वाली आपकी लाइन ऑफ साइट हो रही है, और जो ये वाली लाइन आ रही है ये वर्टिकल लाइन हो रही है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स बेस लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहीं से आप सोचिए कि जब इस तरह से होते हैं हम ऐसे, तो यदि इस लाइन को हम फिक्स रखें, इस लाइन को फिक्स रखें और यहां से हम नीचे देखने की कोशिश करें, इस तरह से 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 ऐसे जाने की कोशिश करें, तो ये एंगल नीचे की ओर जा रहा है। तो यहां पर एंगल्स के नाम नेम दे दिए हैं, इसको दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इस एंगल का नाम दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कभी कोई ऑब्जर्वर टॉप पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे किसी पर्टिकुलर एंगल एक्यूट एंगल पे वो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस समय पर आपके मींस ऑब्जर्वर की आई से बनने वाला जो एंगल होता है उसको बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, लेकिन जब आप ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन पे ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को थीटा एंगल पे मींस एक्यूट एंगल पर, तो उस समय पर इस एंगल का नाम दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो इस तरह से आप करेंगे कि मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, लेकिन इसी का आप एक इंटीरियर अपोजिट एंगल मींस अंदर बनाएंगे और वहां से आप काम कर रहे होंगे, तो वो सेम इसी तरह से आ रहा होगा। ओके, तो आई होप आपको इतनी बात को समझ आ गई होगी कि हाइट एंड डिस्टेंस मींस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या सीखने वाले हैं। आप ये सीखेंगे कि आप दूर से कोई आपके पास पोल होता है मींस किसी पोल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, या किसी टावर को, किसी पहाड़ को, मीन्स अगर उसकी वर्टिकल हाइट या जिस पॉइंट पे हैं आप उससे उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, या उसकी लाइन ऑफ साइट वाली डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ से हमें सीख पाना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं हम आगे की ओर और कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो कि आपको ये तो पता चल गया कि हाँ ये चीजें हो गई। अब आप देखिए कि यदि आपके पास में कोई दो चीजें दे दी जाए, कोई दो चीजें दे दी जाए,
सपोज करो कि ये आपके पास टावर होता है और यहां पर ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करेगा, वो क्या ऑब्जर्व कर सकता है, वो यहां से इस टावर के या जो मीनार है, मींस टावर है, इसके टॉप को या इसके बॉटम को, यहां किसी चीज को भी ऑब्जर्व कर सकता है। वो यहां से ये भी कह सकता है कि आप बताइए यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, या यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या है, या यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, देखो कितने पॉइंट्स आते हैं। देखो एक तो आपने सीखा ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन, और ये आपके पास में आया एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके, जिसका हमने नाम दिया थीटा। आपके पास ये तीन साइड है और ये थीटा, में चार चीजें हैं आपके पास। इन चार चीजों में कोई भी यदि आपको दो चीजें दे दी जाए, मीन्स एक एंगल थीटा दे दिया जाए और इसके साथ में आपको वर्टिकल लाइन दे दी जाए, वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस दे दी जाए, या आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस दे दी जाए, या आपको लाइन ऑफ साइट दे दी जाए, कुछ भी इन तीन में से थीटा एंगल के साथ और कुछ भी दे दिया जाए, तो डेफिनेटली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और आपको क्या दिया जाए, एक एंगल थीटा दे दिया जाए, ठीक, तो आप वर्टिकल लाइन निकाल सकते हैं और लाइन ऑफ साइट निकाल सकते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। सपोज दैट मैं मान लेता हूं, सोचिएगा थोड़ा सा एक मिनट के लिए, ये पॉइंट ए दे देता हूं, ये बी दे देता हूं, ये सी दे देता हूं, और इसकी हाइट को मैं एच कंसीडर कर लेता हूं कि ये एच हाइट की आपकी मतलब कोई मीनार है, या मैं कोई बिल्डिंग मान सकता हूं, या कोई पेड़ मान सकता हूं, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बीसी, बीसी की डिस्टेंस क्या है, तो आप देख पा रहे हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपने एक रेशियो पढ़ा था टैन थीटा, जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी वैसे तो हमें सभी रेशियो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सब अच्छे से लर्न होने चाहिए, बट यहाँ पर इस चैप्टर के लिए टैन थीटा का लर्न होना बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको टैन थीटा का ही एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि टैन थीटा इज इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बस इन दो बातों को ध्यान रखना है आपको, कि जब भी ऐसा दिया जाए तो आपको मान लो एंगल थीटा दिया गया, हाइट एच दी गई और आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी बीसी की वैल्यू पूछ ली गई। आप जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप देख रहे हैं टैन थीटा की जगह तो थीटा ही है, तो टैन थीटा की जगह तो थीटा ही है, परपेंडिकुलर आपका एच हो गया जैसा कि आपने सीखा, और बेस आपका क्या हो गया, बीसी, हमें नहीं पता ये निकालना था, तो बीसी आपका क्या आ गया, एच इंटू टैन थीटा, ओके। अब सपोज करो कि यदि मैंने यहां पर h की वैल्यू को मान लो 10 मीटर दिया गया होता, यहां पे 10 मीटर दिया गया होता, और यहां पर थीटा की वैल्यू को हमने 45 दिया गया होता, ओके, तो आप क्या कर रहे होते, bc इज इक्वल h की वैल्यू 10 इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती, आपने लर्न किया होगा, तो bc की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई, ओके। एंड डिस्टेंस आप यहां से लाइन ऑफ साइट को भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि यदि लाइन ऑफ साइट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये डिस्टेंस तो है ही, ये डिस्टेंस निकालनी है, एंगल थीटा दिया गया, तो यहां पर आप ये देखें कि ये साइड निकालने के लिए आप साइन थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा ऑब्वियसली क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड यू नो हियर इज गिवन परपेंडिकुलर इज 10 मीटर एंड हियर यू फाइंड लाइन ऑफ साइट, then normally you can use sin theta perpendicular by hypotenuse, और आप उसको लगा सकते हैं, okay? तो I hope आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर होता है इसको मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मीन्स दोनों तरीके बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपका जो लॉन्ग मेथड होता है, मीन्स जो हमें स्कूल में करना होता है, वो भी
और यही क्वेश्चन यदि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो उनको देखते ही हमें आंसर कैसे करना होता है, हम इस बात पे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद अपने बुक के क्वेश्चन में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे मैं लैंग्वेज में दे रहा हूँ अभी, हालांकि ये वाले आपके जो क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे ही मीन्स एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। सपोज करो पहला एग्जांपल है आपके पास में कि एक आपके पास में टावर होता है जिसकी हाइट होती है सपोज करो 30 मीटर। ओके, और आप कहीं पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मीन्स यहाँ से आपको इसको ऑब्जर्व करना है, तो आप पहले ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, या पहले ये डिस्टेंस बताओ, और फिर आप जब ऐसे इधर के लिए जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स इस टावर के ये आपका पॉइंट ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ये सी दे देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। ये आपका टावर है 30 मीटर का है, यहाँ ग्राउंड पे फिक्स है और यहाँ पे आप फिक्स है, मीन्स यहाँ से आप इसको देख रहे हैं तो कह रहे हैं यार ये कितने डिस्टेंस पे है। फिर आप क्या कहते हैं कि यहीं से आप इसके टॉप को देखते हैं और कहते हैं कि अब हम यहाँ से इसके टॉप को देखें तो ये कितनी दूर होगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करने के लिए जैसे ही आप ऊपर की ओर मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन पे वॉच करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि आप यहाँ से एक एंगल बन रहा होगा थीटा, मीन्स एक्यूट एंगल। यदि मैं इसकी वैल्यू को 30 डिग्री दे देता हूँ, सपोज यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप देखिए कि जब ये 30 डिग्री होता है, ये 30 मीटर होता है, और आपसे कह दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी आप देखें आपके पास क्या है कि ये इसकी हाइट दी गई है और यहाँ पे ये एंगल दिया गया, और आपके पास कुछ नहीं, आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। ओके, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए कि जो करने की अप्रोच होती है वो ये होती है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको ये देना पड़ेगा इन ट्रायंगल एबीसी वेयर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री, आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर देखें कि एसी आपके पास कितना है, गिवन है ये 30 मीटर, इस कंस्ट्रक्शन का मीन्स ये जो राइटिंग आप करते हैं इसका भी 1 मार्क्स होता है, इस वजह से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां पर इतना ज्यादा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ये आपको मैं बता दूंगा, करना आपको ही होगा। ओके, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे ट्रायंगल है, एंगल आपको 90 डिग्री का दिया गया, एसी आपके पास 30 मीटर है, और आप देखें कि यहाँ पर यदि मैं बात करूं एंगल एबीसी की तो ये आपके पास 30 डिग्री है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है एबी और बीसी। और इजी सा टास्क है यहाँ पे कि आप देखें कि ये एंगल दिया गया है और ये 30 मीटर दिया गया है, तो ये तो हो गई हाइट, यानी कि ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हमें बेस निकालना है। ओके, और एंगल भी दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस की कहानी आपने किस रेशियो में सीखी है जरा इसको रिकॉल कीजिए, तो आपने सीखी है टेन थीटा में, तो टेन थीटा का जैसे ही यूज करोगे टेन थीटा को आप दिखाइए परपेंडिकुलर बाय बेस, और जैसे ही ऐसा दिखाते हैं तो आप इधर आए और देखें ध्यान से कि टेन थीटा तो है, टेन थीटा की वैल्यू आपने 30 पा ली, और परपेंडिकुलर आपको कितना मिल रहा है डिस्टेंस 30, तो यहाँ पे आपने 30 रखा। अच्छा, अब आप देखिए बेस, तो बेस आपके पास कुछ भी नहीं है, बीसीए छोड़ दिया, अब याद कीजिए कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपने सीखा है 1/√3, ओके, इज इक्वल 30/bc। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बीसी आएगा 30√3 मीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप ये बात समझ आई होगी। अब आप समझे यहां से कि हमें ये तो पता चल गया कि ये कितना हो गया 30√3 इतना हो गया है। अब हमें ये भी तो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप ये भी तो कर सकते हैं, साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, या कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, तो आप कॉस की हेल्प लें या साइन की हेल्प लें, दोनों की हेल्प से आप इस लाइन ऑफ साइट को फाइंड आउट
कर सकते हैं। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा ले रहा हूँ तो देखिए साइन थीटा मीन्स 30 डिग्री दिया गया है, ये परपेंडिकुलर आपका 30 है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है और जैसा कि आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जैसे ही आप 1/2 रखेंगे ये 30 अपॉन आपका एच होगा मीन्स लाइन ऑफ साइट, और हम यहाँ पर ए बी का नाम दे दें, क्या दे दें, ए बी का नाम दे दें, ए बी लाइन ऑफ साइट। तो आप देखें कि ए बी इज इक्वल क्या रहा होगा आपके पास 60 आ रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही और एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बढ़ेंगे, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पर हम ओनली वन एंगल पे बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा और आगे जब चलेंगे तो आपके पास दो एंगल भी होंगे और आपके पास तीन एंगल भी होंगे, तो उन सबको हमें कैसे करना है एक क्रम के अनुसार वो हम सारी बातें सीखेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि अपने पास और क्वेश्चन होता है, मान लो ये आपके पास में सॉरी ये आपके पास में टावर होता है। ओके, आप यहां पर बैठे हुए होते हैं और आप इसके बॉटम पॉइंट को चेक कर रहे होते हैं, मींस देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और आप कहते हैं कि ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी है। ओके, इसके बाद में आप ये वाली भी डिस्टेंस फाइंड आउट कराना चाहते हैं, ये वाली भी बताओ और ये वाली भी बताओ, जबकि आपके पास है क्या, आपके पास यहां पर सपोज करो कि यहां पर दे दिया गया 90 मीटर, ये 90 मीटर है, उसने पहले से ही दे दिया लाइन ऑफ साइट जो है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, द डिस्टेंस ऑफ ए बी मीन्स लाइन ऑफ साइट इज 90 मीटर एंड एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, देन आप बताइए बी सी क्या है और ए सी क्या है, मीन्स व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट ऑफ द टावर। ओके, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप समझे कि जैसा हमने प्रीवियस भी बताया आपको कि हमारे पास चार चीजें होती हैं, एक एंगल, तीन साइड है, और उनमें से यदि हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं तो दो हम निकाल सकते हैं आराम से, हम यहाँ पर साइन या कॉस कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देखिए कि देखो ये आपके पास में जो लाइन है इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, तो ये तो हाइपोटेनस बना, और यहाँ पर ये एंगल भी दिया गया है, तो हाइपोटेनस देखो किस किस एंगल पे आ रहा होता है, किस किस रेशियो पे होता है, तो यदि मैं बात कर लूँ भाई साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब जब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो आप देखें कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही रख देंगे, हाइपोटेनस आप देखिए कि आपके पास 90 है, आप यहाँ पर 90 रख रहे होंगे। ओके, और जैसे ही 90 रखते हैं आप देखें साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, परपेंडिकुलर बाय 90 हुआ है, आप इसको क्रॉस कर रहे होंगे तो 2p इज इक्वल 90 हो रहा होगा, मींस p इज इक्वल कितना आ रहा होगा 90/2, मींस p इज इक्वल 45। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, अब आप देखिए कि यदि हमसे ये कह दिया गया होता भाई ये भी तो बताओ, तो यहां पर वापस हम tan थीटा का कांसेप्ट लगा सकते हैं या हम डायरेक्ट cos थीटा भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने रेशियो को कितने अच्छे तरीके से लर्न किया हुआ है। ओके, तो आप देखिए कि हम यहां पे cos थीटा भी अप्लाई कर सकते थे, cos थीटा क्या होता है BC अपॉन मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब बेस देखना मेरी जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखो, BC अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या है AC, ओके सॉरी AB, अब आप ध्यान से देखिए cos थीटा, तो थीटा आपके पास 30 डिग्री, BC आपके पास हमें नहीं पता है, तो BC को BC छोड़ो मींस बेस नहीं पता हमें, ये आपके पास परपेंडिकुलर मींस यहां पे हमने डायरेक्ट परपेंडिकुलर ही रखा है तो परपेंडिकुलर निकाल दिया, और यहां पर हम BC को बेस ही कह सकते हैं, तो यहां पर बेस कीजिए और AB आपके पास 90 आ रहा है। ओके, बेस बाय हाइपोटेनस, अब cos 30 यू नो वेरी वेल दैट 1/√3 सॉरी √3/2 इज इक्वल बी अपॉन 90, आप देखिए ध्यान से कि ये आया आपके पास में 45 और ये इधर जाएगा तो बी इज इक्वल कितना आ गया 45√3। ठीक, अब आप देखो tan थीटा से भी निकाल सकते थे इस बात को, कैसे tan थीटा अगर आप अप्लाई करते तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस होता है,
tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी और यहां पर देखिए परपेंडिकुलर आपका निकला था 45 और बेस आपके पास कुछ नहीं था। आप देखिए tan 30 1/√3 होता है, 1/√3 जैसे ही लगाएंगे 45 बाय बेस आएगा ये इधर और ये इधर, तो बेस आपका कितना आ जाएगा 45√3 मीटर। ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपने इन चीजों को मतलब पहले से ही पकड़ लिया ना तो फिर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको आप इजी कर सकते हैं। ओके तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे तुरंत जो लेक्चर आएगा आपका इसके आगे का उसमें हम कुछ और एग्जांपल आपकी आरडी शर्मा बुक के लेंगे और इसके बाद में मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़।